थोड़ी जी गल याद आ गई, क्योंकि सियाने आखते ने भाई कोई लून वाली चीज़ हो मिठा भी थोड़ा जा खाना चाहिए। साढ़े तबला मास्टर जी तबला बड़ा अच्छा थोड़े सामने बजा रहे हैं। मैंने एक छोटी जी गल याद आ गई, जिस दिन इन्हों का विआह होया तो इन्होंने पिता जी कहते पुत्रा तू जवान हो गया, अं तेरा विआह करना। यह कहें नहीं नहीं डैडी, होर मेरा जो मर्जी कर दौ पर मैं विआह नहीं करवा। वो कहता होर तेरा की करना, तेरा विआह करना। कहता नहीं नहीं डैडी मैं विआह नहीं करवा। खैर उन्होंने मल्लो मल्ली यदा रिश्ता पक्का कर दिता। विआह का दिन आ गया, इन्हू बन के घोड़ी उत्ते बिठा दिता। तो मोहरे बाजे वाले अपनी ट्यून बजाते जाते, वे तैनू घोड़ी किने चढ़ाया भूत नहीं दिया, वे तैनू लाड़ा किने चढ़ाया भूत नहीं दिया। ये अपने पिता जी को कहता देखिया पिता जी तुहानू मैं कहा सी मेरा विआह ना करो। ये बाजे वाले अपनी बेइज्जती करते, इन्हों को बाजा बंद करो। खैर उन्होंने बाजा बंद किया, विआह हो गया, लावा हो गई। जदों डोली लैके घर नूं तुरन लगे तो ये घरवाली ने कुदरती तौर पर रोना ही सी, उन्हें देख के ये भी रोन लग पाया। उधरों इहदा डैडी आ कहिंदा ओए उल्लू दा पठिया तू क्यों रोना। ये कहिंदा मैं तां रोना। कहिंदा ओ कद रोंदी आ। वो कहिंदा हद हो गई, उन्हें तो सारा परिवार भैणा भरा छड्ड के जाना, वो तो रोंदी है मगर तू क्यों रोना। ये कहिंदा मैं तां रोना, मैनू सारी उम्र रोना पैना, मैं रिहर्सल कर रहा। उस तो बाद इहदा जीजा आया, वो इहनू आण के कहिंदा इहदा साला आया, वह इहनू आण के कहिंदा कहिंदा देख जीजा असी अपने भैन नूं बड़े चावां ते मलारां दे नाल पालिया, देखी कि तेरे घर जाके इन्हू कोई दुख तकलीफ ना होए। यह कहिंदा हद हो गई साले, इहदे विच दुख तकलीफ कोई वाली कहिड़ी गल आ, जिहो जी तेरी भैन है उहो जी साडी भैन है।